हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूँ अनिमेश और आज मैं जिस जगह में हूँ, एक्चुअली मैं सारनाथ में हूँ जो कि बनारस से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन सारनाथ में मैं जिस जगह में हूँ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस प्लेसेस अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट मैथोलॉजी। जी हाँ, मैं हूँ, मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो मैं हूँ धामेक स्तूपा। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध की अस्थियों में से 10 हिस्से किए गए थे, उसमें से एक हिस्सा यहाँ पर इस स्तूप के अंदर है। ऐसे ही इंडिया में अगर देखा जाए तो ऐसे सिर्फ दो जगह हैं जहाँ पर ऐसे स्तूप बने हुए हैं। पहला है सांची स्तूपा और दूसरा है धामेक स्तूपा जो कि यहाँ पर है सारनाथ में। चलिए चलते हैं। जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं वो सभी स्तूपा की परिक्रमा करते हैं। मैं भी अभी परिक्रमा कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा स्तूप एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियों के 10 हिस्सों में से एक हिस्सा इसके अंदर है। इंडिया में ऐसे दो जगह हैं, एक है सांची का स्तूप, दूसरा ये धामेक स्तूप जो कि सारनाथ में है। बाकी 8 स्तूप या तो बर्बाद कर दिए गए हैं या फिर वो साउथ ईस्ट एशिया में हैं। तो फिर यहाँ पर अगर आप आते हैं, इट रियली हैज़ ए वेरी रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अगर आपको यहाँ पर मौका मिले ज़रूर आइए और इसकी एक परिक्रमा ज़रूर कीजिए। धामेक स्तूप के अलावा यहाँ पर और भी एक बहुत रिलीजियस मॉन्यूमेंट है। अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ ठीक इसी जगह पे, शायद सदियों पहले भगवान बुद्ध ने किसी अपने अनुयायी को तत्वज्ञान की शिक्षा दी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा। पीछे जो आप बहुत बड़ा सा चबूतरा देख रहे हैं, वहाँ पर भगवान बुद्ध को तत्वज्ञान प्राप्त होने के बाद वो यहीं पर उन्होंने सबसे पहले 4 ब्राह्मणों को उन्होंने तत्वज्ञान की शिक्षा दी थी। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं बहुत छोटे 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 बैठने के स्थल बने हुए हैं ईंट पत्थरों से। यहाँ पर उनके सारे अनुयायी उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ पर जब उनके शिष्य 60 से भी ज़्यादा बढ़ गए तब उन्होंने अपने शिष्यों को ये कहा कि आप पूरी दुनिया में फैल जाओ और सभी को आत्मज्ञान की शिक्षा दो। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ धामेक स्तूपा ही नहीं, सिर्फ वो जगह ही नहीं जब जहाँ पे भगवान बुद्ध खुद बैठ के अपने शिष्यों को उन्होंने तत्वज्ञान की शिक्षा दी, बट इस जगह पर बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो कि 3rd century BC के हैं। जी हाँ, देयर इज ए मोनोलिथिक रेलिंग जो मेरे पीछे है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट डेट्स बैक टू 3rd century BC। मेरे पीछे जो अभी म्यूज़ियम आप देख रहे हैं, दिस इज़ द आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ सारनाथ। ये म्यूज़ियम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूज़ियम ऑफ इंडिया है। रीज़न, इसके अंदर हमारा नेशनल एम्ब्लेम जो असली अशोक स्तंभ है वो इसके अंदर मौजूद है। हाँ, मैं इसके वीडियोज़ नहीं बना सकता क्योंकि वो अलाउड है नहीं, बट हाँ फोटोग्राफी अंदर अलाउड है, तो मैं इसके एक्चुअल अशोक स्तंभ के फ़ोटो खींच के आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और आगे मैं और भी जगह घुमाता रहूँगा, वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।